महादेव से मिली। और कैसे मिली? बोले मैं शांत जा रही थी तो हम लोगों को दिक्कत आ गई रास्ते में और हरिद्वार में, तो किसी ने कहा कि साहब आप शांति कुंज में जा करके रुक जाइए। रुक गए तो सुबह प्रणाम करने के लिए गुरुदेव के पास पहुँचे। तो गुरुदेव के पास पहुँचे तो गुरुदेव ने छुआ, बोले अरे लड़का कैसा है तेरा? तो बोले कि गुरुदेव मैं समझ नहीं पाई, वो तो अभी वहाँ पर है, बॉर्डर पे काम कर रहा है। बोले अरे अरे ठीक है बेटा, उसको कहना कंबल ओढ़ करके सोया करें। उनको समझ में नहीं आया कि क्या बात है। बोले हो सकता है इसलिए कह रहे हो कि पहाड़ पर घटना घटी है, बर्फ में रह रहा है, इसलिए गुरुदेव कह रहे हो कंबल ओढ़ करके सोया करें। अब वो जो है वापस आई, और उसके बाद आज की तरह से तो मोबाइल थे नहीं कि आदमी को तुरंत जो है मैसेज मिल जाए। हमारा भैया जैसे फ़ोटो खींच रहा था अभी थोड़ी देर पहले, तो आज ऐसे तो मोबाइल थे नहीं उस ज़माने में। उस ज़माने में तो आप पत्र लिखते थे, पत्रों का जवाब आया करता था। तो उनको वापस लौटने के बाद 6 वीक के बाद पत्र आया उनके लड़के का। बोले कि माँ आज तो गजब की घटना घटी। बोले कि मैं जो है सेना में था यहाँ पर, और हम लोग जो है पोस्ट में एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट जाते हैं। बोले मैं गया, बर्फ़ थी तो मैं फिसल करके खाई में गिर गया। बोले जैसे ही गिरा तो एकदम सेना की जो सामने वाली जो पोस्ट थी उसके बिल्कुल सामने, बोले मेरे और उनके बीच में कुछ नहीं था, और बोले उनके ठीक सामने जाकर के गिरा। उन लोगों ने जितनी गोलियां चला सकते थे मेरे पे चलाई। बोले मैं सिर्फ 30 मीटर की दूरी पर था, ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे ऊपर कंबल डाल दिया। बोला कि ऐसा लगा कि मेरे पे किसी ने कंबल डाल दिया। तो महिला जो है उनने वो 1989 घटना है, दोबारा उनने प्रयत्न किया, गुरुदेव से नहीं मिल पाई। तो दोस्तों वो महिला बोली कि मैं आज भी फूट फूट करके रोती हूँ कि एक बार और मुझे गुरुदेव से मिलने का सौभाग्य मिल जाता, एक बार और मिल जाता तो मेरे जीवन का कितना कल्याण हो जाता। बोले मैं उस दिन नहीं समझ पाई, मेरे मन में इतना दुख होता है कि इतनी बड़ी घटना थी और मैं समझ नहीं पाई कि गुरुदेव ने मेरे जीवन को कैसे बचाया। हमारे यहाँ एक थे सज्जन, तो वो पहली बार उनके यहाँ 37 साल से कोई बालक नहीं हुआ था। तो उनने जो है गुरुदेव के अपने शिष्य थे जा रहे थे, उन्होंने कहा कि साहब गुरुदेव के पास जा रहे हैं तो आप प्रणाम करने जा रहे हैं, गुरुदेव को प्रणाम करिएगा और उनसे बोलिएगा कि हमारे यहाँ बच्चा नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब। आए गुरुदेव को प्रणाम किया तो गुरुदेव बोले कि ठीक है बेटा हो जाएगा। तो वो आ गए, आशीर्वाद लेके आ गए। उन्होंने कहा साहब इतनी जगह गए, सभी संत महात्माओं ने कहा है कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, और उनके पुत्र हो गया। पुत्र हो गया और पुत्र हो जाने के बाद उनको लगा आई गई बात कि हो गए, किसी ने कहा होगा। 11-12 साल का हुआ वो लड़का, और लेकर के वो आए कि साहब मथुरा घूमने के लिए निकले, तो उन्होंने देखा कि गुरुदेव का नाम लिखा हुआ है। एकदम याद आ गया कि साहब गुरुदेव ने कहा था ऐसा, और वहाँ जा कर के प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने गए, गुरुदेव के पैर छुए तो गुरुदेव बोले अरे ये तो मेरा भेजा हुआ है, ये लड़का तो मेरा भेजा हुआ है। उनको एकदम से याद आया कि ये लड़का तो मेरा भेजा हुआ है। तो दोस्तों ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, आप में से कोई नहीं है जो बिना भेजे यहाँ आ गया हो। आप में से कोई व्यक्ति नहीं है जिसको गुरुदेव ने भेजा न हो और आप लोगों ने जन्म ले लिया हो। तो जो भाव